इधर आ जाओ फिर तो यहाँ से देख लिया जाएगा ना। जो लेट आया उसको नाश्ता कैंसिल भैया नाम पढ़े लिखे हैं सर जी नाम लिखे हैं ना भैया तब ना क्वेश्चन मार रहे हैं बड़ा करें तो फिर दिक्कत होगा रिकॉर्ड करने के लिए सर के लिए कम से कम चाय मंगाना चाहिए था भाई अच्छा लग रहा है उठालो उठालो बात कर लो बिना सुबह उसी के लिए उठ के आए हम तो रेडी हो रहे हैं रिकॉर्डिंग बड़ी भयानक हो रहा सर देखिए सर आगे सर माइक भी लगाना है क्या नहीं माइक लाया है क्या लगा सकते सर कुछ बताएंगे तो उसको माइक लाया वही है हमारे बैगवा के साइड वाले में है साइड वाले में करके ला जाओ वायलेट कलर का होगा ब्लू कलर का आप आगे चले जाइए हम आपके पास आ जाए निधि एक्टिव है बस लड़की है और तो एक्टिव नहीं सर ये वाला माइक लगा सकते हैं ये आ रहे हैं स्पेस आज ना सर्कल में थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस बना के थोड़ा सा ना यहाँ से ना ऐसे छोटा वाला पहले आ गया ये ऐसे करो ना थोड़ा सा ना ये चीज़ ना थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे बना दो ऐसे कर हल्का सा ये चीज़ ऐसे थोड़ा करो इधर से क्या देख पा रही हो तो हमारा विजन फिर ब्लॉक हो जाएगा ये देख पा रही हो ना थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा सर आप एडजस्ट करवाइए ना हाइट के बारे में छोटे को थोड़ा सा आगे आ जाओ पीछे बड़े को थोड़ा पीछे कैमरामैन के लिए थोड़ा सा वो छोटी पीछे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ छोटे जितने छोटे ना आगे आ जाओ देखो ये तुम आगे आ जाओ आप दिख रहा सबको ना वहाँ से भी नहीं दिखेगा एकदम आगे नहीं जाना है ऐसे दो यहाँ से दिखेगा दिख नहीं पाओगे क्या किसी को दिखेगा नहीं तो बता रहे सब लोग करीब आना चाहते लेकिन भाई नाम देखा नहीं सकते ना तो हम तो थोड़ा सा पीछे हो देखो इतना स्पेस रहेगा ना सबको लगभग वो दिख जाएगा अच्छे से नहीं दिख रहा
दिखेगा भाई, सबको दिखेगा। और डिस्टेंस बना कर रखो तो ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। तुम वहाँ से नहीं दिख रहा ना, वहाँ पे आ जाओ, उधर आ जाओ। माइंड योर लैंग्वेज वेयर यू आर स्टैंडिंग। बस दिक्कत हो जाएगा ना फिर सब भूल जाएंगे फिर हम। दे विल आस्क ना, वट एवर दे वॉन्ट्स दे कैन आस्क। वन शुड टॉक विथ मी, सो दैट विल बी मच बेटर फॉर मी। एक्चुअली मैं खो जाता हूँ काम करता हूँ तो फिर, क्योंकि हाँ आप बात कर सकते हो। इन वाटर कलर यू पीपल नो दैट वेरी लेस ड्राइंग, नॉट टू मच, बट मैंने ज़्यादा कर दिया है, खैर चलेगा इतना, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बहुत दिनों के बाद बनारस जैसे डायरेक्ट लाइव, देखो बेटा उतना डेफ्थ में जाओगे तो अभी तो टाइम नहीं है उतना, उसके लिए फिर बैठेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अभी जैसे कॉम्पोजिशन एक शब्द है, तो शायद उसको दिमाग में रख करके मैं कंपोज कर रहा हूँ चीज़ें जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें क्या लेना है, आप क्यों अट्रैक्ट हो, आप एक पार्ट भी ले अपने हिसाब से, आपके अंदर जो विल पावर है ना पकड़ने का, ज़बरदस्ती का नहीं, जो इजी वे में बना सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये बीच वाला पार्ट जो है, ये जो तुलसी घाट है ना, इसमें बहुत सारे हैं घाट, लेकिन ये जो प्रोमिनेंट जगह है लगभग एक आइडियल है, सबके दिमाग में वो जल्दी कैच करता है ना, तो शायद इस वजह से मैंने उस चीज़ को कंपोज किया है। और ये सारी चीज़ें हैं, चलिए बहुत हो गया, अब चलते हैं जरा कलर पे, इसको रख लो तो बेटा। अब आप कलर में देख रहे होगे, जैसे मैंने बहुत सारे, वो पैलेट कहाँ गया, वो आप लोग वाला है, अच्छा चलो किसी का भी हो, तो मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, कभी लाल इधर है, कभी पीला इधर है ना। खैर वो तो अपने हिसाब से रखे हैं, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आप लाइट से लेकर के डार्क का जो है ना, और जो हमारा टोनल वेरिएशन है 1 2 3 और 3 2 1, तो मैंने ग्रीन के शेड रखे हैं, इधर दो ही रखा है, बहुत सारे लोग रखते हैं 4 5 रखते, बहुत सारे शेड हैं, तो उसको एक तरफ रखा है मैंने, रेड के जो टोन्स हैं वो एक तरफ रखा है, ब्लूज के देख रहे हो इधर कई शेड रखे हैं, तो पैलेट में लेने में जब हम काम करते हैं तो वो सुविधा होता है, फिर कन्फ्यूज़न नहीं करता रेड कहाँ रखे हैं या ढूंढ रहे हैं, हालांकि वो याद तो हो ही जाता है। ब्रशेस, यस, अब इसमें जैसे ड्राइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इस झुलवा हटा दीजिए, जरा बैग जरा पीछे कर लीजिए उससे थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं इस समय टिल्टेड कर लिया ताकि मेरा कलर जो है फ्लो हो। वाटर कलर में इसका विशेष ध्यान रखना होता है, आप जब काम कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं तो ये जो है ना अप एंड डाउन होना चाहिए आवश्यकता अनुसार जो है कितना, क्योंकि वाटर कलर का मज़ा है बेटा फ्लूइडिटी, जो एक शब्द है ना फ्लूइडिटी, बहाव जो बोलते हैं ना, बहता है, उसका एक अलग मज़ा आता है। हम सीखते तो ज़रूर हैं, और वाटर कलर मैं विगत लास्ट 5 साल से मैं कर रहा हूँ, उसके पहले मैं स्टूडेंट पीरियड में आप लोग जैसा करता था, ठीक है, और अभी भी बहुत अंदर वो लगा हुआ है कि नहीं बहुत कुछ करना है, तो चल रहा है, बाकी चीज़ें आप फेसबुक में देख सकते हैं हमारा कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो अभी इसमें दो प्रोसेस है, आपको पता है, वेट टू वेट और ड्राई
वेट और ड्राई, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो दोनों को मिला के कंबाइन करके करते हैं काम। जब आप देखते हो तो आप समझ में नहीं आता, लेकिन आपको ये सोच के करना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि आज मैं वेट टू वेट करूँगा और या तो आज मैं ड्राई प्रोसेस में करूँगा, है ना, लेयरिंग। वेट टू वेट में भी लेयरिंग होता है, बट उसमें टाइमिंग का बहुत महत्व होता है वाटर कलर में, और खासकर पेपर। अब पता नहीं पेपर क्या रिएक्ट करेगा, काफ़ी दिन से रखा हुआ था मैंने जैसे बताया है, बट लेट्स सी वॉट एवर इट। और मेन सब्जेक्ट को मैं बचा के रखूँगा अभी, जो हमारा ये है, ये जैसे ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, फिर ये वाइट अपना टेम्पल है, इधर बोट है, तो हमारा जो ये फोकल पॉइंट होना चाहिए ये यहाँ होना चाहिए, है ना, ये अट्रैक्शन ये है, ये सब सपोर्टिव रहेगा बट ये हमारा मेन रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना अच्छा तक निकाल पाते हैं हम लोग। तो वेट टू वेट प्रोसेस हम कर रहे हैं अभी, इधर वाले थोड़ा सावधान रहेंगे, हालांकि मैं वैसे करता नहीं हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं हो सकता है इस कोने को भी छोड़ के रखूँगा, लेटर आई विल डू, बट जो फ्लो वाला मैटर है वेट टू वेट में उसको रख करके हम ये मैं अच्छे से उसको स्मूथ कर ले रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा होगा ख़राब होगा मुझे नहीं मालूम है, बट जो प्रोसेस है आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब पानी लगाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, तुरंत कलर जो है उस पर उड़ेल देते हैं, अंदर वो रहता है ना एक्साइटमेंट जल्दी जल्दी, तो उसको थोड़ा वाटर कलर में कम करना है, उससे बचना है, नहीं तो वो आपको गड़बड़ जगह ले जाएगा फिर, क्योंकि इसमें एक बार जो कर देते हैं फिर दोबारा दिक्कत है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। मॉप ब्रशेस, दिस इज कॉल्ड मॉप ब्रशेस, बट ये फ्लैट है हमारा और ये सिंथेटिक ब्रश है, इसमें सेबल हेयर भी आता है, कम से कम 1000 पेंटिंग तो बना दिया इस ब्रश में। दिस इज ऑल्सो स्कॉडा ब्रश गिफ्टेड बाय अमित कपूर सर, आप जानते होंगे अमित कपूर जी को वाटर कलर की दुनिया में, तो उनकी ब्रांडेड ब्रश है ये। जब वो बहरीन आए थे हमारे पास, वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज देयर, राइट नाउ आई एम हेयर, तो उस समय जब आए थे वो, तो उस समय वो गिफ्ट किए थे। तो अभी चूंकि मौसम सर्द का है ना, जैसे ठंडा है, तो थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा कटाक्ष लाइट नहीं है, तो योर कलर शुड बी लाइक वाटर कलर में बहुत सारे देखते हैं, बहुत इसको हम अपने तरीके से कलर लगा सकते हैं, बट अगर वेन यू आर इन ऑन मीन्स स्पॉट, तो स्पॉट पे क्यों हैं हम, तो वहाँ की चीज़ें कितने मतलब थोड़ी सी पकड़नी चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो बाकी आप एक और जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, वो सब अपने तरीके से वो कलर का सिलेक्शन, एटमोसफेयर, वो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है ना वो, लेकिन जब स्पॉट पे हम हैं तो थोड़ा सा प्रयास करें। हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ, क्योंकि मेरा जो स्टेज है वो अब वो देख देख के बनाने वाला नहीं, वो मन में नहीं बैठ पाता है, तो देख कोशिश रहेगा कहाँ तक कर पाते हैं, है ना। तो अभी मैं कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कलर इसमें नहीं है, एक दो है, बट इसमें सारे जो आप यूज़ करते हैं वही कलर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई। थोड़ा सा इसमें मैंने वॉयलेट ले लिया है,
की मॉर्निंग है तो थोड़ा सा हम ऑरेंज भी प्ले कर दे रहे हैं। और एक चीज़ से बचना है, बहुत ज़्यादा वाइपिंग ब्रश का संचालन नहीं करना है पेपर में, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी होता क्या है ना, हम थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, कलर लगाए जा रहे हैं, क्या वो गड़बड़ हो जाता है। वाटर कलर में थोड़ा सा वेट करो और ओवर नहीं जाना है अभी। एक फ्लैट ब्रश होगा उसमें, हालांकि हो तो जाएगा इससे, हाँ 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 इस एक और होगा इसी का, ब्लू कलर का होगा, देखो तो हाँ ये वाला उसी के नीचे, वो देखो रबर के बगल में, हाँ दिस वन, यस दिस इज आर्टिस्ट प्रवीण कर्मा। ये चीपेस्ट ब्रश है, इसका सेट आता है पूरा बड़ी, ये आप ले सकते हो, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको, प्रवीण जी का है ये, उनका ब्रांड है ये प्रवीण कर्माकर, और वो इस वाले उसमें आ रहे हैं, ये अच्छे हैं कुछ ब्रशेस। हाँ IOW के जो फाउंडर मेंबर हैं वो हैं। येलो ऑकर एंड ब्राउन वॉन्ट सी है ना, अमेज़न उनके पास सारे सेट हैं। एक्चुअली देखो जो बाहर निकल गया है ना तो उनको नॉलेज ज़्यादा हो गया, इंडिया में चीज़ें प्रॉब्लम सब कुछ है लेकिन वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है यहाँ, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है,
लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है आपको मिलेगा, यहाँ मुश्किल है थोड़ा। देखो बहुत ज़्यादा कलर में लाल पीला ये नहीं लगा रहा हूँ, बहुत मतलब मिनिमम कलर में, मिनिमल जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो कलर में जाना है। धीरे धीरे आप रंगत बढ़ाइए, जैसे टोन्स में बात कर रहे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं तो पहले दो रंग को मिला करके काम करिए, फिर तीन रंग को मिलाइए, फिर चार मिला करके, इस तरह से प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे तो सारे होता क्या है, रेड भी लगा दीजिए, ब्लू भी लगा दीजिए, सब लगा दिया उसके बाद फिर बैलेंस हो ही नहीं पा रहा, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग लगाया क्योंकि मेरे को वो चाहिए स्ट्रॉन्ग। अभी जो मैंने किया वो टच करके देखा, टचिंग जेस्चर जो बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसका स्थिति क्या है वो देखने के लिए। बेटा थोड़ा सा आप पीछे होंगे, हम थोड़ा सा बड़ा वो फील कर रहे हैं। चलो क्योंकि ठंड है तो भी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ें, बट धूप है थोड़ा सा। इसको इसका खोलेंगे क्या?
इसका ड्रामा आप देख रहे हैं, ये जो वाटर है इसके लिए है, और दूसरी चीज़ है कुछ इफेक्ट्स के लिए भी है, जहाँ आपको डालना है उसको स्प्रे कर सकते हैं, बट अभी स्प्रे करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, है गीला है मामला, ऑलरेडी वेट है, सो दीज थिंग्स वी हैव टू थिंक बिफोर। बॉस आ गए, देखिए वहाँ चश्मा लगा करके देख रहे हैं, अब लग रहा है कि नाश्ता मिल जाएगा, देख लिए। यही तो हैं जो सबको आज सबका नींद आज हराम किए हैं। ये है बेटा वो शार्प ग्रीन है और थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू भी चल रहा है हल्का हल्का, ये भी वही है मॉप ही है सब, ये दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी ब्रश एक्चुअली, इन चाइना दे आर राइटिंग, दे आर यूजिंग फॉर राइटिंग लेटर्स यू नो। देखो बेटा जैसे आप लोग हो ना अभी, एक एक चीज ये सारे गिफ्टेड है, मैंने खरीदा नहीं है, करते चले गए मिलता चला गया। जो सबसे शुरुआत एक ब्रश है मॉप का, तो मेरे बेटे ने मेरे को ला के दिया, पापा ये वाला ट्राई करो, हाँ कृष्णा, वो नेटवेट से उसको पता था हम लोग नेटवेट कितना यूज़ कर पाते हैं। सर अब नाश्ता कंफर्म हो गया लग रहा है, क्योंकि हम लोग अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपका। हाँ ऑर्डर करते आ रहे हैं, देखो पास सर, जरा टाइम का ख्याल रखिएगा। नमस्कार भैया, आप BHU से अजय उपासनी सर, आप कह सकते हैं अभी रिटायर हुए हैं, KV में थे, नवोदय विद्यालय, चलिए ये सब अलग अलग नाम है बट विद्यालय तो विद्यालय है, और आप अभी इन दिनों जो है बनारस में है, इनका भी हम लोगों को आशीर्वचन मिलता रहता है। आ गए सारे लोग हैं, बस हमको लोग फंसा दिए ना सब इधर बोल के, परीक्षा ले ले। राजेश थोड़ा सा आ जाएंगे, वो सीमांचल एक्सप्रेस से आ रहे हैं, मुगल सराय में अभी होंगे। एक और ब्रश होगा उसमें से लंबा वाला होगा, ब्लैक कलर का, हाँ ब्लैक नहीं उसके बगल वाला, हाँ हाँ दैट वन, वो भी प्रवीण जी वाला है, दो सबको आज यूज़ कर देते हैं यहाँ एक्चुअली ट्रीज वगैरह के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका इंटरेस्टिंग अभी चला नहीं रहना, अभी देखो हाँ लीनियर क्वालिटी के लिए। कौशले सर वो जरा देख लीजिएगा, वो 10 प्रिंट है, वो प्रवीण यही है सब, ये बैग लेते जाइए प्रवीण, उसमें से वो निकाल करके आगे का काम करिए आप लोग, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसमें ब्रश की कमाल है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। कमाल तो मेरे हाथ का भी है लेकिन ब्रश ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो मटेरियल वही यूज़ करना है जो आपको सपोर्ट करे, है ना। हाँ कर सकते हैं, इससे भी ऐसा कुछ नहीं है, एक ब्रश से भी काम हो सकता है, बट उसके भाव बदल जाएंगे, है ना। अब चूँकि थोड़ा टाइम है, अभी आधे घंटे के भर हमको जीने देंगे लोग, नहीं तो कॉल आने लगेगा इन लोग, हाँ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। देखो तो एक ही चीज़ अगर कर ले, मान लो इतना अभी किया कि किसी ने कहा मज़ा आ रहा, तो बस मेरी जीत हो गई, खत्म बात। अब जब नहीं भी बनाएंगे साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्या करो और क्या चाहिए, है ना। तो कंप्लीट कोई पेंटिंग होता ही नहीं है बेटा, दिक्कत यही है। चलो किसी ने मेरे स्टैंड का तारीफ किया है, अब इसकी स्टोरी बताएंगे ना। मैं सबसे थक गए हार मान गए जब आया इंडिया वापस, हमें बेचैनी थी काम करने की। सबको बोला मैंने, ये प्रवीण सर ये वो सर भेज दीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। और पता नहीं पैसे मैंने नहीं भेजा, इस वजह से नहीं भेज रहे थे लोग कि क्या कलाकारों के साथ दिक्कत है ना, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं ना, सही है ये बात। अभी कुछ बोलेंगे, आ रहा हूँ ना मैं, बस आते रह गए। हाँ तो कहीं कहीं उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो क्या हुआ कि अब सब कुछ जान रहे हैं, फिर यूट्यूब में मैंने देखा, अब ये वाला परचेस करने जा रहे हैं तो वो 8 फीट का देंगे, उतना काट के नहीं देंगे, यहाँ का ये सब चीज़ें हैं। तो कम से कम मुझे 2 महीने लगे, उसके बाद जो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे, अरे सर 2 मिनट भाभी मैं बनवा दे रहा हूँ ना, अभी 2-3 लोग थक गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मैं अपने से कसम खाया कि अब कोई मेरे को मदद नहीं करेगा। मैं गया फिर हार्डवेयर दुकान, फिर परचेस किया, और अभी हम अभी यही चीज़ शेयर कर रहे थे हमारे सीनियर अजय भैया से 2 दिन पहले। तो कहाँ थे हम, भूल गए। चलिए इतना काम हो गया, अब जरा मेन सब्जेक्ट पे काम किया जाए। लास्ट सेकंड ही चल रहा है ना अभी इसमें।
नहीं वही पुराना ही है। अरे सो रहे होंगे, उठवा लीजिए। ये राहुल भी एक नया नंबर है क्या पास? नहीं, एक सेकंड, उसमें 1-to-1 करके होगा, मेरे कॉल में जाइए, 1-to-1, 121 लास्ट में। प्रवीण को बोलिए ना, वो बताएगा आपको। 121? हाँ वाला किसी विशाल दट का दिखा रहा है उसमें। हाँ वही उन्हीं का है। वही करो, तो अच्छा ये कृष्ण मुरारी त्रिपाठी कौन है? कृष्ण मुरारी त्रिपाठी वो व्यासी वाले हैं, वो आ रहे हैं, उनको बुला लीजिए। पंडित जी उनका भी है एक क्लिप। साई को बुलाए हैं ना? नहीं, साई जी नहीं आ रहे हैं, वही आएंगे, कृष्ण मुरारी जी। आप मेरे चक्कर में नहीं रहिएगा, आप अपना तैयारी करिए। सब लोग कह रहे हैं 10 बजे बुलाया गया है। ठीक है, बुलाया आएगा, बुला तो पहले आएगा। ठीक है, घर ही में है ना। अच्छा हो गया ना कि सबसे मुलाकात हो गया इसी बहाने। क्यों, अगर आए हम लोग अपना काम, लोगों को अपना काम तो करना ही था। नहीं तो मेरा शुरू से यही रहा है, काम के अलावा फिर और कोई ताम झाम नहीं। लेके बड़ा सुरस बैठ जाओ, ठीक है ना, टाइम नहीं वेस्ट करने का अपन। लाइव चल रहा है, लाइव दिखा दो सबको। आज से हमारा शो भी है वहाँ, ग्रुप शो बहरीन में। एग्जीबिशन जैसे होता है तो वैसे ही वहाँ चल रहा है, ग्रुप शो चल रहा है, आज उसका इनॉग्रेशन है। मेरी पेंटिंग चली गई। उसके बाद कल टॉक है, अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। कल टॉक है बहरीन से ही है, कुछ कलर्स वगैरह को लेकर के ही टॉक है, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप छोड़ सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे डेफ्थ है तो कई बार दे रहे हैं वहाँ पर, 3-4 है ना, थोड़ा सा। सब हमको बेच रहा है लोग, सब हमको बेच रहा है, समझे? ऐसा नहीं है।
बाबू थोड़ा सा पीछे छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेना और यही से जो भी काम के ना वीडियो एक बना दे छोटा फोटो बना इसके पॉकेट दोनों में कट लीजिए डायरेक्टर साहब एकदम बिजी हैं। अमरेश आज मेरा कैप छूट गया यार, आज विदाउट क्या रे जल्दीबाजी में, हाँ उसमें ज़्यादा लगता है, यहाँ कर लें वही बहुत है। आज डर गए थे बच्चों को तुम बुला लिए, बोले यार अब कैसे क्या करें, मेरा जान तो आ गया। चलिए ठीक है, परेशान थे दो दिन बाद सबसे मिलवाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो जिंदगी तो यार कमाने खाने में सब लगे हुए हैं, है सब तीन पांच करने में लगे हैं, कुछ तो काम करें ऐसा जो कि रह जाए। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा है ना, हाँ जल्दी सूखेगा, ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है ना, अमरेश जी हैं यहाँ पे, अमरेश जी का सहारा ले लीजिए। चलिए बस बस इसके बाद थोड़ा सा भी, वहाँ पे भी आएंगे, जाओ तुम भी जाओ, थोड़ा सा तस्करे मर जाएंगे, पाँच लोग तो बहुत हैं। काम आई है, कहाँ चक्कर आ गया उसको, उसको बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ, वो नहीं रहेगी तो काम वर्क ही कंप्लीट नहीं होगा। सबके लिए नाश्ता की व्यवस्था है, किसको चक्कर आ गया, सही मत गिर जाना।
चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उधर उधर का काम हो गया फिर यहाँ फोकस करते हैं। Thank you.
ये जो है कलर को जो है देख रहा है आदमी और डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं। सर खड़ा होना भी बड़ा बोरिंग होता है। हम लोग भी जब आते थे ना सीनियर तो उस समय नहीं समझ में आता था, जब वो अपनी बारी आती है काश देख लिए होते कर लिए होते। समझ नहीं आता।
नहीं बेटा, इसके आधार पे फिर उस पर थोड़ा सा डिटेल करेंगे, ज़्यादा नहीं, इम्प्रेशन करेंगे ना केवल, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मेरा जो फोकल पॉइंट होगा यहाँ होगा, दिस विल हेल्प यू, जस्ट सपोर्टिंग है। और चूंकि टाइमिंग का भी वो होता है ना, कितना आपको देना है, मुझे अब ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम हो गया है 10। हाँ, जैसे मैंने इसको बचा के रखा था ना, मेरे माइंड में क्लियर था हम इधर कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे हमारा जो है यहाँ पर, अब देखो ना, आप सपोर्ट लग रहा है कि कंप्लीट है। अभी क्या, इसके आधार पे हम थोड़ा सा डिटेल जो है यहाँ ज़रूरत होगा, जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अब इसमें डिटेलिंग में मैं थोड़ा सा जाऊँगा। और क्योंकि वाटर कलर में डिटेलिंग बहुत कम, मैंने बहुत रेयर होता है ना, मैंने नॉर्मल आप करो। देखने में तो लगता है कि बहुत, अरे क्या है ना, पानी चलते चलते गिर जाते हैं, निकल जाएगा सर। सर लोग एक और मिले थे ना वहाँ पे जो बना रहे थे, मिले थे सर, बना वो जो नहीं दिखा थे सर, ही बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए, बस थोड़ा सा फाइनल करेंगे इधर के डिटेल्स, थोड़े से करेंगे बस। सर धूप में ये कलर ज़्यादा फेड हो जाता है क्या? थोड़ा फेड होता है क्योंकि थिकनेस होता है ना पेपर का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए धूप में करना नहीं चाहिए। लेकिन अभी के धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कम से कम 12 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कड़क धूप में नहीं करना है। मंगाना पड़ेगा मुझे, ईजल भी मंगाना पड़ेगा। ये ईजल लिया नहीं है बेटा, बनाया हुआ है ऐसे। इसको छोड़ो। संजय तो खुद से अपने बनाया है सर, जो ईजल बनाया ना वो अपना आइडिया लगा के बनाया। नहीं बहुत बढ़िया है ये बहुत, ये वाला जो है ना, ये वाला सेट, इसके लिए फिर मेरा अलग वो छूट गया ना घर पे, वो बताया ना, चलिए बताया ना कि अभी वो मेरा शो के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्रेलिक कर रहा हूँ अभी इस इन दिनों डेली वगैरह के लिए। हाँ, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट को लेकर के वाटर कलर में भी चल रहा है। ये इल्यूज़न है ना, वो इल्यूज़न आता है जैसे अगर आप जानेंगे मेरे बारे में
मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स और वो सब बनाता हूँ ना, तो डिटेल और मैं वो देख पा रहा हूँ, जैसे हाफ क्लोज आई से चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। नहीं वही कह रहे हैं कि वो कैसे करते हैं, उस मैंने उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पे वो कर लेते हैं, वही मेरा भी है मामला कहने का। थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक इधर हम कर सकते हैं काम। नहीं हो गया है लगभग ये वाला, अब ये बहुत देर से मैं पकड़े पकड़े हाथ मेरा उकड़ू हो गया। 10-15 मिनट इसको निकाल दो तो बेटा, ये वाले जो ऊपर वाले, ये वाला हाँ वो डिस्टर्ब करें, निकालो खींचो। हाँ अब मुझे फ्री हैंड चाहिए हाथ से। नहीं नहीं बस 10 मिनट। हाँ लास्ट थर्ड टोन जो दे रहे हैं मतलब, तो इसमें अब कहाँ है थोड़ा सा, वहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ है ना, तो हल्का सा वो कर ले रहे हैं।
आ गए हैं तो तैयारी अपना है ना, कुर्सी भी आ चुकी है, सब तैयारी इधर रेडी हो चुका है। अच्छा बस मेरे में देर है? नहीं नहीं आराम नहीं, देर नहीं, आराम 10 बजे तक 14 बजे तक चलिए आप, उसके बाद वो प्रोग्राम होगा। एकदम देख ही नहीं पाए सुरेश सर, हमको देखना, मुझे 10 बजे तक आएंगे हम, देखेंगे तुमको बताएंगे ना बाद में है कि नहीं। 10 मिनट बाकी है, करना जरूरी, तैयार होना जरूरी है, देखना सीखना, नाश्ता ना बस हो रहा सब नहीं हल्ला करो ना एक बार ये सब पार्टी में हम भी थे यार, भूख लग गई, इतना देर से काम कर रहे, बताओ चाय बुलाओ ना यार सब, नहीं नहीं वो चाय नहीं, लेमन वाला नहीं पियेंगे, नहीं नींबू चाय तो मूड खराब कर देता है एकदम। हाँ यहाँ वाला तो अच्छा लगता है, ये वाला बैठ के वो उधर चलेंगे बाद में, अभी बस हो गया ना, अभी तुम काम करोगे, बिना काम किए जाना नहीं किसी को भी, क्या दिक्कत है, एक आप कर लो, काम करके ही जाएंगे। देखो उधर 10 मिनट का काम है केवल, वो केवल एक फ़ोटो शूट चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है, फोटो पूरा दुनिया फोटो पे चल रहा है भाई। सर नाश्ता बस बहाना था बुलाने का? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाश्ता की बात अगर नहीं हो तब भी हम आते हैं, हम तो साथ में अरे बाबा के हम आवाज सुने थे जी, लास्ट स्टार्टिंग ग्रुप पर ऐसा फोटो भी लिया, अच्छा फोटो आ जाएगा, फोटो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, उसको फॉलो ये हो जाए, फोटो भी मुझे भेजिएगा, वहां पे बैठेंगे हम सब लोग, सीढ़ी में ना फोटो भेज देंगे, नायर सर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नायर सर से मिले हैं यही तो बोल रहे हैं, क्या बात, कौन सा सर? सर पहले ही दिन विजिट किए, मेरे पहले फ्रेंड हैं ये, जब आए थे खूब उनसे हम, उस समय इंग्लिश नहीं आता था मुझे, तो यू जस्ट टीच मी इंग्लिश आई विल टीच यू हिंदी, हाँ वो हिंदी नहीं आता था, नहीं एक्चुअली एक बार फंस गए थे एग्जीबिशन के, उधर से हम लोग स्टेशन के तरफ से कहीं शो देख के आ रहे थे, ये मेरे ऑटो में बैठे थे, अब ये बेचारा कुछ पूछना चाह रहे थे, हालांकि वो परिचित थे ये भी आर्टिस्ट हैं, फिर तो हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम किए, काम किए साथ में, बाहर भी गए है ना, बारह लाख की ना, अभी मैं बोलता हूँ उनको खर्चा करिए आज, लगी
सर पेंटिंग बिकता कैसे सर इतना महंगा? देखो बेटा वो सब तो कमर्शियल वाला मैटर है, बिकता है ना। देखो जैसे सिंपल सी बात है, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं ना खरीदते हैं ना, तो एक पेंटिंग एक अपने आपके जीवन का एक हिस्सा है ना, जो आनंद देता है आपको, बुझा ना, देख करके आपको सुकून मिलता है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो भी बिकता है, लोग खरीदते हैं जिनको जिनको च्वाइस है ना। कलर थेरेपी की बात करोगे तो रंगों का अपना एक जो है महत्व है, उसका असर है, प्रभाव है ना। एक आर्टिस्ट को मिला। नमस्कार मैडम, आइए कुछ बताइए। कैसी हो? गुड मॉर्निंग सर, सही है सर। थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं मैडम, थोड़ा बहुत करना, ज्यादा करने का मेरा यहाँ हालत ख़राब हो रहा, आप तो और नई पेंटिंग बनेगा ये समझ गए नेहा, कैसे पेंटिंग बनेगा यार? आप नहीं बनेगा पेंटिंग, हो गया बस कीजिए ना तो फिर, है ना, चलो करते करते खराब कब हो जाएगा पता भी नहीं। हाँ ये भी बात सही है, चलो साइन मार देते हैं, जस्ट अ मिनट, वेट वेट, मैम बोल के गई है ना, थोड़ा एक सेकंड छोड़ देंगे, आउट ऑफ फोकस है, इधर डिटेल चल, थोड़ा सा इस पर चाहिए हल्का सा। Oh my God, come 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 here, come come, ये साउथ से आई है बच्ची, बिटिया है हमारी, इसको रख लो बेटा आगे थोड़ा सा, इसको हाँ इधर रख लो, so you today you are late, hmm? Yes. Why? Your dad didn't tell you to come here? Today tuition class is there now. Okay. But it's late. So you came alone or with dad? You came with your dad? Hmm? सर लोकेशन बता रहे हैं किसी को, रीवा घाट के एकदम सामने खड़े हैं। कौन सर? सुरेश सर? नहीं कॉस्टलेस सर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं और कई लोग हैं ना। क्या नाम है उसका? सौरभ ना, सौरभ देखिए तो जरा सा, नहीं नहीं बस देखिए तो जरा, सौरभ है क्या? या खत्म, सौरभ कहाँ है? सौरभ सौरभ को भेजिए, सौरभ सौरभ, जस्ट मिनट, बस हो गया बेटा, साइन करने जा रहे हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हम आप वही तुम तब से कह रहे थे कि आवाज के जाना तू, आधी रात को जगवा देना तू, किधर करेंगे सर? जस्ट अ मिनट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और हमसे आधी रात को जगा दो चलिए। देखिए बेटा,
अब डेमो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो आप आ रहे हैं, खाना पीना खा के आएंगे तो डेमो करोगे? हो गया साइन करने जा, एक फोटो जहाँ पे इस साइड से आओगे, इधर आ जाओ, जगह बना लो, आ जाओ इस साइड से, तो आ जाओ ना इस साइड से, आ जाओ थोड़ा सा इधर जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा फोटो आएगा इधर से। नहीं फोटो नहीं बोल रहे हैं एक, हाँ जल्दी चलो जल्दी लो फोटो लो भाई जल्दी लो, आगे इधर कौन लेगा फोटो, इधर से अच्छा आएगा सर, चले मत करो। फोटोग्राफर कौन है? एक्चुअली लोग आना शुरू कर दिए तो घाट खाली है ना वहाँ पे जहाँ वेन्यू बनाया गया है, तो एक अच्छा इधर से लाइट की 10 लाइट अच्छी आ रही ना, फोटो अच्छा आ जाएगा। हाँ फोटो अच्छा आ जाएगा।